नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीशू यूट्यूब चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डेक्स फॉर्मूले के बारे में, क्या होता है डेक्स पावर बीआई में। देखिए, इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक पढ़े हैं जिसमें हमने मर्ज पॉइंट क्वेरी, ग्रुप बाय, या आप बात कर सकते हैं स्प्लिट कॉलम या रिमूव कॉलम, इस तरीके के हमने टॉपिक पढ़े हैं। लेकिन डेक्स फॉर्मूला अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पावर बीआई का। जानते हैं डेक्स असल में क्या होता है। डेक्स की फुल फॉर्म होती है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। वो फॉर्मूले जो हमें मदद करते हैं डेटा को एनालिसिस करने में। देखिए, फॉर्मूले हमारे पास एक्सेल में भी होते हैं, फॉर्मूले हमारे पास पावर बीआई में भी होते हैं। कोई हमसे पूछता है कि पावर बीआई क्या है, तो हम कहते हैं कि ये विजुअलाइजेशन टूल है। लेकिन सिर्फ हमें एक डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी टूल की मदद करियो तो ये बात आधी अधूरी है। इसीलिए पावर बीआई ने एक्सेल जैसे सभी फॉर्मूले, लगभग बल्कि उससे और भी ज्यादा फॉर्मूले हमें पावर बीआई में अवेलेबल कराए, जिससे कि हम फॉर्मूलों के साथ उस पर एनालिसिस कर सकें और इसको अच्छे से विजुलाइज कर सके। ये लगभग एक्सेल फॉर्मूले की ही तरह काम करते हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में अंतर होता है। जैसे देखिए, जब हम डेक्स लिखते हैं तो हम उसमें क्या देते हैं, सबसे पहले हम उसमें कॉलम नेम देते हैं, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं जैसे लेफ्ट, सर्च, फाइंड, जो भी हमें यूज करना है। साथ में हम कॉलम का नाम लिखते हैं, किस कॉलम के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, या ऑपरेटर, मतलब कॉलम, डेक्स फॉर्मूला, ऑपरेटर, इन तीनों के मिक्स करके हम एक डेक्स फॉर्मूला बनाते हैं। डेक्स का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर। अब जानते हैं ये दोनों क्या होता है। देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि डेटा जो आए वो हमें रो वाइज दिखे, जो उसका आउटपुट आए वो रो वाइज आए, यानी हर रो का एक डेटा अलग दिखाई दे। ये सेव होता है तो कुछ मेमोरी लेता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करते रह रहे हैं अपनी शीट में एक के बाद एक के बाद एक, तो जब इसको आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो शीट है, आपकी जो फाइल है, उसका जो साइज है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। मगर कैलकुलेटेड मेजर का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि आउटपुट जो आए वो एग्रीगेट होके आए। देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम में आपको हर रो वाइज डेटा दिखेगा, लेकिन मेजर जो होता है, कैलकुलेटेड मेजर का जब हम यूज करेंगे तो उसमें एक एग्रीगेट वैल्यू आएगी, यानी सबका टोटल होके आएगा। आप स्केलर वैल्यू भी कह सकते हैं, यानी कि सबका पूर्णता वैल्यू एक नजर आएगी। और कैलकुलेटेड मेजर हमें वैसे डेटा में नहीं दिखता है। अगर आप डेटा देखते हैं तो आपको सारे कॉलम दिखेंगे, लेकिन मेजर आपको वहां पे नहीं दिखेगा, मेजर आपको अलग से दिखता है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा आइकन बना आ जाता है और ये सेव होता है तो कुछ मेमोरी नहीं लेता है, ओके, क्योंकि ये सिर्फ रन टाइम पे वर्क करता है। अब पावर बीआई के अंदर इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है डेक्स फॉर्मूले की, वो कौन कौन सी हैं? देखिए, एग्रीगेट, जैसे कि मिन, मैक्स, एवरेज, सम फॉर्मूले आते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट के अंदर आते हैं अपर, लोअर, रिप्लेस, फाइंड, सर्च। और अगर डेट टाइम की बात करें तो डेट, आर, वीक, डे, मंथ, मिनट, इन तरीके के फॉर्मूले इसके अंदर आते हैं। स्टैटिस्टिकल में आते हैं आपके काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंटर, डिस्टिंक टाइप के। लॉजिकल में एंड, और, इफ, नॉट, ट्रू, फॉल्स, स्विच। और इन्फॉर्मेशन में आप क्या जाते हैं, इज ब्लैंक, इज एरर, इज एवन, इज टेक्स। तो इन सभी फॉर्मूले के बाद हम एक के बाद एक वीडियो में काम करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल जान लेते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर में किस तरीके का अंतर होता है। तो देखिए, इसके लिए आगे हम अपने पावर बीआई स्क्रीन पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक डेटा अपलोड कर दिया है। इसमें कुछ नाम है, क्वांटिटी है और पर यूनिट प्राइस है, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, न्यू मेजर और न्यू कॉलम, ओके। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ न्यू कॉलम का यूज करके, आपको इस पर क्लिक करना है, ओके। देखिए, अब यहाँ पे हमें लिखना है अपना पूरा फॉर्मूला। मैं चाहता हूँ क्वांटिटी और पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाए, जिससे कि मेरी टोटल कॉस्ट पता चल जाए, ठीक है। तो मैं इसका नाम, देखिए सबसे पहले मैं नाम देता हूँ एक्सेल, और इसमें अंतर यही है कि इसमें आप अपने कॉलम का नाम दे सकते हैं, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद मैं सीधा क्वांटिटी लिखता हूँ, ये मेरे कॉलम का नाम है, मुझे जो मल्टीप्लाई करना है मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा, तो एसक्यूएल की तरह ही वो आपको दिखा देगा, ठीक है। आप टैप करेंगे इनटू, उसके बाद पर यूनिट प्राइस, ठीक है, पर यूनिट प्राइस आ गया। और अब देखो, मैं एंटर करूंगा तो ये सब ही इन रोज में ये डेटा अपने आप आ जाएगा। जैसे एक्सेल में होता है कि जहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वो सिर्फ आंसर हमको वहीं पे दिखाता है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेल में आपको ये ड्रैग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सब में आ जाएगा। अब देखिए, मैं एंटर मारता हूँ,
देखिए, इसने इसको इससे इंटू करा है और यहाँ पे हर किसी को इंटू करके एक डेटा दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट का बन के आ गया है कॉलम, और यहाँ पे देखिए इसका साइन इस तरीके का होता है। अब अगर मैं एक मेजर बनाता हूँ, देखिए मैं न्यू मेजर पे क्लिक कर रहा हूं और मैं यहाँ पे देता हूँ टोटल कॉस्ट मेजर, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए, और इक्वल टू, और देखिए ये एग्रीगेट वैल्यू देता है, ठीक है, तो इसमें मेरे को यूज करना पड़ेगा समेक्स, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहा है टेबल, टेबल कौन सी है हमारी, टेबल का नाम है टेबल वन, तो मैं टेबल वन में लिखता हूँ टेबल वन कॉमा एक्सप्रेशन क्या है, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ क्वांटिटी इंटू प्राइस मल्टीप्लाई हो जाए, तो पहले क्वांटिटी इंटू पर यूनिट प्राइस, ठीक है, ब्रैकेट वन, ठीक है। सम एक्स उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से सम प्रोडक्ट काम करता है, यानी पूरा इंटू करेगा उसका एक टोटल करके आपको दे देगा। मैं एंटर करता हूं। अब देखिए यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, टोटल कॉस्ट मेजर टाइप का कॉलम बन के आया हूं, क्योंकि ये है एक मेजर। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर सा बटन दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे बनाया है टोटल कॉस्ट मेजर से। अब देखिए आंसर दोनों में सेम है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक विजुअलाइजेशन ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और इसमें मैं डालता हूँ टोटल कॉस्ट जो कि हमने बनाया था कैलकुलेटेड कॉलम से। ये देखिए 1 मिलियन आ रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं एक कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, और इस पर मैं टोटल कॉस्ट हटा देता हूँ और डाल देता हूँ टोटल कॉस्ट मेजर जो हमने मेजर से बनाया था। अब देखिए दोनों का आंसर एक ही है ना, तो देखिए काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है। एक आपको ऐसा आउटपुट देगा जहां पे आप रो वाइज देख सकते हैं, और एक आपको देता है पूरा स्केलर वैल्यू, यानी पूरा एक एग्रीगेट वैल्यू देता है। दोनों के अपने अपने यूज है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है, जैसे कि आपने टोटल कॉस्ट यहाँ पे निकाल लिया है और आप इस टोटल कॉस्ट के कॉलम के यूज करके कुछ और कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको कैलकुलेटेड कॉलम यूज करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को इस कॉलम के ऊपर कोई कैलकुलेशन बाद में नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ, क्योंकि इससे मेरा स्पेस बचेगा फाइल का। तो ये होते हैं डेक्स फॉर्मूले, ये होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर। आने वाले वीडियो में हम हर एक कैटेगरी को देखेंगे और उनके फॉर्मूले को प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।